हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे ओप्पो F19s में और रेडमी नोट 10s में और देखते हैं कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी से, तो दोनों की सेम है 6543 इंच की रेजोल्यूशन, 1080x2400 पिक्सल और दोनों फ़ोन की स्क्रीन सुपर एमोलेड डिस्प्ले। दोनों फ़ोनों में आपको पंच होल कैमरा मिलता है। और बात करते हैं प्रोसेसर की, तो ओप्पो का है स्नैपड्रैगन का 662 का सीपीयू, 2.2 का हार्ड ऑक्टाकोर का और 11 नैनोमीटर्स का फिनफेट, और एमआई का जो प्रोसेसर है वो है मेट ए का G95 का सीपीयू, 2.05 का हार्ड ऑक्टाकोर का और 12 नैनोमीटर्स का फिनफेट, और प्रोसेसर क्वालिटी में एमआई बेस्ट है। बात करते हैं बैक कैमरे की, तो ओप्पो का है ट्रिपल जो मेन कैमरा है 48 का, फिर टू का एमआई का है क्वाड में जो मेन कैमरा है 64 का, फिर टू का। बात की जाए फ्रंट कैमरे की, तो ओप्पो का है 16 का, एमआई का है 13 का। दोनों का आपको मिलता है पंच और डिस्प्ले के साथ। बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो दोनों में है 5000 mAh की और दोनों फ़ोन की बैटरी एप्स नॉनेबल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात करते हैं चार्जर की, तो दोनों में सेम है 33 वाट का, दोनों में टाइप्स का स्पोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है, और आपको दोनों ही फ़ोनों में ट्रिपल सिम मिलती है, दो सिम और 7 मिनट डाल सकते हो। दोनों की है वारंटी 1 साल की, कनेक्टिविटी है 3G और 4G की, ओपन में रैम है 6 GB की और एमआई में है 6 GB और 8 GB की। ओप्पो की मेमोरी 128 GB की, एमआई में है 64 GB और 128 GB की, और आपको दोनों ही फ़ोनों में एंड्रॉयड 11 मिलता है अपने अपने यूआई के साथ। बात करते हैं प्राइस की, तो ओप्पो का है स्टार्टिंग 19,999 रुपये, एमआई का है स्टार्टिंग 14,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।